लाल डायरी को लेकर राजस्थान विधानसभा में राजेंद्र गुड़ा का हंगामा। धारीवाल और रफीक खान के साथ हुई धक्का मुक्की। वेल में आकर स्पीकर से की बहस के बाद मार्शल के जरिए गुड़ा को निकाला बाहर। राजेंद्र गुड़ा ने कहा, लाल डायरी विधानसभा में गुंडागर्दी करके मुझसे छीन ली गई है, जिसमें सारे काले कारनामे थे। माँ का दूध पिया है तो मुझे गिरफ्तार करें। राजस्थान की जनता इन्हें सड़कों पर निकलने नहीं देगी। गुड़ा ने कहा कि मेरे पास लाल डायरी की एक कॉपी भी है जो छीन ली गई है। वह तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना दिए। महिलाओं के दुष्कर्म में यदि कोई डिग्री मिलती तो इनके सबके पास पीएचडी की डिग्री होती। महिलाओं के साथ इन्वॉल्व थे क्या ये सारे? ये सारे इन्वॉल्व थे, वो इनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, एक दूसरे का मिला खेल है। मेरे ऊपर ये चार्ज लगा रहे कि मैं बीजेपी से मिला हूँ। मैंने इनको 2008 में इनके अच्छे कामों की वजह से मैंने सोचा अच्छे काम करेंगे, नौजवान के लिए काम करेंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए काम करेंगे। हमने एक दिन अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के आए थे। विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊँगा। और उस लाल डायरी के वहाँ पहुँचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है। और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो लाल डायरी क्या है, और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। मैं आपको उसके नेपथ्य में लेकर के जाना चाहता हूँ। 2020 में जब कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह चरम पर था, पार्टी के कुछ विधायक पीसीसी चीफ और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ में अपने आलाकमान से मिलने के लिए यहाँ दिल्ली में आकर के, दिल्ली के पास में कहीं आकर के डेरा लगा करके बैठे थे। और उस समय में, उसी कालखंड में, उस समय के बीच में, उसके आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, सरकार के एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति, जो माननीय गहलोत साहब के राजदार भी हैं और खासदार भी हैं, उनके घर पर इनकम टैक्स ने रेड किया था। और उस रेड में अखबारों में ऐसा छपा था कि उस रेड में एक लाल रंग की डायरी और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज उस समय रिकवर किए गए थे। राजस्थान पुलिस की मिलीभगत से उस समय राजेंद्र गुड़ा जी जो विधायक थे और माननीय गहलोत साहब के कृपा पात्र थे, उन्होंने खुद कल कहा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने विश्वास किया। वो अपने 50-100 साथियों के साथ में जा करके वहां इनकम टैक्स के अधिकारियों से जबरन वो लाल रंग की डायरी छीन करके लेकर आए थे। और ऐसा माना जाता है, उन्होंने जैसा कहा है, कि उस डायरी में गहलोत साहब के बहुत सारे राज जो हैं छिपे थे। इस लाल डायरी का रहस्य क्या है, इसको आप राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है।